पांडे के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर नगली में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूली छात्राओं ने अपने हाथों से तिरंगे बनाकर क्षेत्र के हर घर पर तिरंगा लहराने का संकल्प लेकर बेटियों ने खुद के द्वारा निर्मित राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर के साथ ही पूरे क्षेत्र में तिरंगा लहराने का संकल्प लिया। बाजार में बिकने वाले प्लास्टिक एवं रेशमी कपड़ों के ध्वज की जगह सूती कपड़े से खुद के द्वारा निर्मित ध्वज अपने घर के द्वार पर तिरंगा फहराकर लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करेंगी। इस कार्य से विद्यालय द्वारा बेटियों में देशभक्ति के साथ ही उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम शुरू की गई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरनंदन प्रसाद ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के साथ ही मिशन शक्ति के तहत आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के साथ ही रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बच्चे देशभक्ति से सरोकार होकर अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना अहम रोल निभा सकें। इस अभियान के तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराकर आज़ादी के 75वां जश्न अमृत महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। विद्यालय में मिशन शक्ति के प्रभारी अंजलि सांगवान के नेतृत्व में बेटियों ने अपने घर से सिलाई मशीन लाकर बड़ी संख्या में ध्वज सिलकर उसमें मार्कर से अशोक चक्र का निर्माण किया। इसके तहत स्कूली बच्चे कपड़े के साथ ही कागज के ध्वज बनाकर पूरे खादर क्षेत्र में तिरंगा लहराएंगे। इस मौके पर स्कूली छात्राएं शाजिया, रिया, प्रीति, काजल, नेहा, नीलम, रश्मि, दीपांशी, रजनी आदि का योगदान रहा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर नंगली के द्वारा तैयारी की जा रही है। यहाँ पर बच्चों द्वारा सूती कपड़े के ध्वजों का निर्माण किया जा रहा है और ये ध्वज जो हमारे बच्चों के द्वारा ही निर्मित किए जा रहे हैं और ये ध्वज जाकर 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जो हमारा पूरा सप्ताह है अमृत महोत्सव का, उस उपलक्ष्य में हम ये ध्वजारोहण बच्चों को पूरे गांव में वितरण करेंगे, क्षेत्र के लोगों को वितरण करेंगे, ताकि जो हमारी संकल्पना इस देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर घर पर ध्वज लहराए, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह तिरंगा से पूरा देश सरोकार हो, इसी उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए बच्चों को इसके प्रति देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए, साथ में बच्चों के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए और साथ में बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए, रोजगार परक स्थिति पैदा करने के लिए बच्चों को आज सिलाई कढ़ाई का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मशीनों के द्वारा बच्चे खुद अपने हाथ से ध्वज बना रहे हैं और ये ध्वज 11 अगस्त से हम हर घर 11 अगस्त से पूर्व भी हर घर घर वितरण करेंगे, ताकि लोग 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पूरे सप्ताह अपने घर पर जो अपने द्वार पर ध्वज फहराते रहें और पूरे देश से सरोवर देशभक्ति की भावना सरोकार रहेगी।